हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्विज टाइम, क्लास एट्थ साइंस का चैप्टर है हमारा कंबशन एंड फ्लेम। तो इस चैप्टर की हमारी फुल एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, दो पार्ट्स में कराई है मैंने आपको, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं सारे कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो ये वन मार्क क्वेश्चंस हैं, बड़े ही ध्यान से देखेंगे और खुद आंसर करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इसके मार्क्स लिखे भेजेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इसके अंदर। कंबशन इज़ ए डैश प्रोसेस, फिजिकल है या केमिकल है। डैश एंड डैश आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, किन्हीं भी दो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का नाम बताना है। डैश एंड डैश आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस जलते नहीं हैं उनका नाम बताना है। द कंडीशंस फॉर कंबशन, कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। फिफ्थ, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर, टेम्परेचर का नाम बताना हमें। द सब्सटेंस इज हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर इजीली विद ए फ्लेम आर कॉल्ड ऐसे सब्सटेंसेज जिनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और जो इजीली आग पकड़ लेते हैं, तो उन सब्सटेंसेज को हम क्या बोलते हैं। द एक्सटिंग्यूजर कट्स ऑफ सप्लाई ऑफ डैश एंड फायर इज कंट्रोल्ड, एक्सटिंग्यूजर के फंक्शंस बताने हमें इसके अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर फायर इन्वॉल्विंग, तो कौन कौन सी आग होती है जहाँ पे हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते आग बुझाने के लिए। डैश बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ कंबशन, ये हमारा टू मार्क्स का क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर हमारे दो फिलअप्स हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो रूम टेम्परेचर पर आग पकड़ लेती है और उसके अंदर जो कंबशन होती है उसका नाम बताना है। LPG burns rapidly and produces heat and light, तो इसके अंदर LPG के अंदर कौन सी combustion होती है। 11th question, fire work heat, light, sound and a large amount of gas is liberated, such a reaction is called, हमें इसके अंदर बताना है कि इसके अंदर कौन सी type की combustion होती है। The substance which vaporizes during burning gives, क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम फ्यूल इज डैश, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू को कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं। द अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज बाय बर्निंग वुड एंड कोल कोज रेस्पिरेटरी डिजीज, हो जाती है बहुत ही डेंजरस डिजीज है ये। नेक्स्ट, इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन द क्लोज्ड रूम एज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, जो कि बहुत ही पॉइजनस होती है। इट कैन डैश द पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम, और ये क्या कर सकती है जो लोग ऐसे कमरे में सो जाते हैं जहाँ पर कोयला जल रहा है। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा। सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड्स कॉजिंग डैश, डैश डैश एंड डैश। इसमें हमने बताना है कि जो डिफरेंट जोन्स होते हैं फ्लेम के उनके नाम लिखने हैं। डैश इज़ द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है ये फ्लेम का कौन सा पार्ट होता है। तो अगर आपने इस चैप्टर की अगर आपने एक्सप्लेनेशन क्लियरली सुना है ध्यान से, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट है, कंबशन इज़ ए केमिकल प्रोसेस। मैं आपको टाइम नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये मैंने जो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया है। डैश एंड डैश आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, कोल, वुड, इसके अलावा आप इसमें मैग्नीशियम रिबन लिख सकते हैं, चारकोल लिख सकते हैं, पेट्रोल लिख सकते हैं, डीजल लिख सकते हैं। कंबस्टिबल मटेरियल वे होते हैं जो जलते हैं। डैश एंड डैश आर नॉन कंबस्टिबल, जैसे आयरन नेल्स हैं, ठीक है, स्टोन है, ग्लास भी लिख सकते हैं आप, ये नॉन कंबस्टिबल है, ये नहीं जलते। कंडीशंस फॉर कंबशन है, ऑक्सीजन है, आप एयर भी लिख सकते हैं, फ्यूल है, और नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर तक उस सब्सटेंस को हमने गर्म करना है, हीट अप टू इग्निशन टेम्परेचर। तो जब तक किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता वो सब्सटेंस बर्न करना शुरू नहीं करता।
तो लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर. द सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर इजिली विद ए फ्लेम आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. एक्सटिंग्यूजर कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन. आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. एंड फायर इज कंट्रोल्ड. वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल्स पेट्रोल्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आग बुझाने वाले व्यक्ति होते हैं उनको करंट लग सकता है क्योंकि वाटर बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. फॉस्फोरस बर्न सेट. फॉस्फोरस के अंदर अपने आप ही आग लग जाती है रूम टेम्परेचर पे. और इसके अंदर जो कम्बशन होती है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस कम्बशन होती है जो अपने आप शुरू हो जाती है. उसके लिए किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती. एलपीजी के अंदर कौन सी कम्बशन होती है? रैपिड कम्बशन. बहुत ही आप गैस को चला के देखेंगे तो बहुत ही जल्दी से जलती है. इन फायरवर्क, फायरवर्क के अंदर होता है एक्सप्लोजन. द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग हीटिंग. जो सब्सटेंस वेपर्स बनते हैं बर्निंग के दौरान उससे फ्लेम्स बनती हैं. कैरोसिन ऑयल के अंदर बनती है फ्लेम, कैंडल के अंदर फ्लेम बनती है. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. और कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर किलोग्राम. जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करते हैं उसका नाम होता है एस्थमा. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है. अगर हम कोल वाली अंगीठी को कमरे में रख के सोते हैं तो इससे क्या है, ये जो भी आदमी सो रहा है उन सबको मार सकते हैं. इट कैन किल द पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम. कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर बढ़ता है तो इससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है. टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं रेन वाटर के अंदर घुल जाते हैं, एसिड्स बनाते हैं. एक सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, एक नाइट्रिक एसिड बनता है और इसको क्या कहते हैं, एसिड रेन बोलते हैं. इसलिए एडवाइस करते हैं पेरेंट्स कि बच्चों को जब शुरुआती बारिश होती है उस वक्त नहीं नहाना चाहिए क्योंकि हवा बहुत ही पॉल्यूटेड होती है और उसके अंदर एसिड्स बन जाते हैं. जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है ये हवा के अंदर मिक्स होते हैं और जब रेन आती है तो रेन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और एसिड रेन आ जाती है. ये बहुत ही हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए. डैश एंड डैश आर डिफरेंट जोन्स. तो डार्क जोन, नॉन ल्यूमिनस एंड ल्यूमिनस आर द थ्री डिफरेंट जोन्स ऑफ द फ्लेम. नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन. डैश इज द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. द आउटर मोस्ट जोन, द आउटर मोस्ट जोन इज द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. ब्लू कलर का होता है ये नॉन ल्यूमिनस जोन और सबसे हॉटेस्ट होता है ये. इसलिए जो ब्लैक स्मिथ्स होते हैं वे इसी फ्लेम के इसी जोन को भी यूज़ करते हैं. इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी हाईएस्ट होता है. ठीक है, इसी के साथ ही हमारी क्विज़ फिनिश होती है. अब हम देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए. आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मुझे लिख के भेजेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू बच्चों.